मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है, मैं बचपन प्ले स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज हमारे स्कूल में बच्चों ने जन्माष्टमी का उत्सव मनाया है। सब बच्चे श्री कृष्ण भगवान एंड राधा रानी के वेशभूषा में आए हैं और उन्होंने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए थे, जिसमें वो राधा और कृष्ण के वेश में बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर उसके बाद हमारे जितने भी शिक्षक हैं उन सब ने पूरी मेहनत करी थी और ये प्रोग्राम बहुत सुंदर हुआ था। अभी हम हरि मंदिर आए हैं अपने बच्चों को दर्शन कराने के लिए, ये दिखाने के लिए श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं हम। और हमारे बच्चे बड़े ही उत्साहित हैं और वो सीखना चाहते हैं कि ये सब क्या है। इसलिए हमारे टीचर्स जो हैं वो उन्हें दिखा रही हैं, हरि मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर सजा हुआ है। आज बच्चे सब श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के वेश में आए थे और फिर आने के बाद उनको हमने परिचित कराया था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान के भजन हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें राधा रानी बनके और गोपियाँ बनके बहुत अच्छा सुंदर नृत्य किया गया था। इसमें लगभग स्कूल के सभी बच्चों ने प्रतिभाग लिया था। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं बचपन प्ले स्कूल की तरफ से, बचपन के परिवार की तरफ से। भगवान आप सबकी जन्माष्टमी मंगलमय हो और हर साल खुशी खुशी ये त्यौहार हमारे जीवन में दोबारा आए और हम दोबारा फिर से विजिट करने मंदिर हरि मंदिर में आए। आप सबका धन्यवाद। बचपन स्कूल के बच्चे आज हरि मंदिर में विजिट करने आए हैं। आज हम बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है। बच्चों ने स्कूल में प्रोग्राम करे हैं और बच्चों को बताया गया कि हम लोग क्यों जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चों ने कृष्ण और राधा जी के डांस करे हैं, उनको बताया गया है कि कैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है और डांस भजन कीर्तन सब कुछ किया। हमारी बचपन स्कूल की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।